Hello everyone, this is Reena. Welcome once again to my channel Be Fit Together. आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट ऑप्शन लेके आई हूँ। ये सुपर हेल्दी प्रोटीन रिच चीला है। जी हाँ, ये बेसन चीला है। ये ओनली 120 कैलोरी ही है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 30 ग्राम बेसन। ये मैंने बेसन को मेजरमेंट किया है, ये 30 ग्राम है। और एक मीडियम साइज अनियन चाहिए जिसे हम छोटे छोटे कट कर लेंगे। और हमें एक ग्रीन चिली चाहिए जिसे हम चॉप्ड कर लेंगे। अगर मैं इसे चम्मच से नापूं तो ये लगभग 6 चम्मच आया है, 6 चम्मच से थोड़ा कम, तो अप्रॉक्स इसे हम 6 स्पून मान सकते हैं। पूरा फुल नहीं, नॉर्मल साइज में स्पून से ले तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स आपका उतना ही मेजर आएगा, थोड़ा कम ज़्यादा आ सकता है। तो सबसे पहले हम बाउल में बेसन डालेंगे, फिर कटे हुए छोटे छोटे जो प्याज है, अनियन है, उसको डालेंगे। हरी मिर्च के टुकड़े हैं उन्हें डालेंगे। फिर हम थोड़े मसाले डालेंगे, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून क्यूमिन सीड पाउडर। अब सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। सभी को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब हम पानी 1/4 कप डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन का जो घोल है वो ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब पैन में हम बैटर को डालेंगे और लैडर की हेल्प से उसे सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए गोल चीला बनाएं। स्पून की हेल्प से उसे अच्छी तरह से शेप दे देंगे। ये चीला बहुत ही हेल्दी होता है, वेट लॉस प्रोसेस में ये बहुत हमारी हेल्प करता है और ये बनाने में भी बहुत इजी होता है। अब हम चीला को थोड़ी देर तक ढक के पकाएं। चीला जब ऊपर से पूरी तरह से सूख जाए, पैन के किनारे को वो छोड़ दे, तो हम उसे दूसरी तरफ पलट देंगे पकने के लिए। अब इसी तरह से हम अपने चीला को तैयार करेंगे और चीला तैयार हो जाने के बाद आप इसे सर्व करें। अपने पसंद की कोई भी सब्जी के साथ खाएं। आलू की सब्जी को अवॉइड करें और ग्रीन वेजिटेबल का ज़्यादा यूज़ करें। लौकी की सब्जी खाएं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी हेल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।